नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युगचरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देशभर में मॉनसून एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। इस हफ्ते लगभग सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 19 राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान है। उधर भारी बारिश होने के कारण केदारनाथ यात्रा दिन भर के लिए रोक दी गई है। लैंडस्लाइड के 17 घंटे बाद बद्रीनाथ का रास्ता दोबारा खोल दिया है। IMD मुंबई के मुताबिक शुक्रवार दोपहर तक मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम से तीव्र बारिश होने की संभावना है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। भारतीय पशुपालन निगम ने 3,444 पदों पर भर्तियां निकाली है, जिसके तहत सर्वे प्रभारी के 574 पद और सर्वेयर के 2,870 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 40 साल तक के उम्र के उम्मीदवार भारतीय पशुपालन निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 5 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भारत में 100% एथेनॉल फ्यूल पर चलने वाले वाहन अगस्त में लॉन्च किए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में कहा कि ये देश में एक क्रांतिकारी पहल होगी, जो इम्पोर्ट ऑप्शन, कॉस्ट इफेक्टिव, पॉल्यूशन फ्री और पूरी तरह स्वदेशी होगी। वर्तमान में भारतीय बाजार में एथेनॉल की कीमत लगभग 46 रुपये लीटर के आसपास है और पेट्रोल की कीमत 108 रुपये के आसपास चल रही है। अगर ऐसा होता है तो जल्द ही भारतीय सड़कों पर सस्ते फ्यूल पर टू व्हीलर और कारें दौड़ती हुई नजर आएंगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मान द वैल्यू फाउंडेशन की ओर से जयपुर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जयपुर की सम्मानित महिलाओं के साथ महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने एक साथ आकर विभिन्न चर्चाओं में हिस्सा लिया और महिला सशक्तिकरण पर अपने अनुभवों, दृष्टिकोणों और विचारों को साझा किया। मान द वैल्यू फाउंडेशन की संस्थापक मनीषा सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर चर्चा में शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, कला व संस्कृति और सामाजिक स्वरूपों में सरकार के योगदान पर चर्चा हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं RSS संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 भर्ती के लिए कैंडिडेट कल यानी 1 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं। कुल 905 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आयु सीमा 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। कार्मिक विभाग के अधिसूचना 23 सितंबर 2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2020 को आयु सीमा के अंदर था, उसे दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। परीक्षा सितंबर या अक्टूबर 2023 में होने की संभावना है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।